दीवादी कुछ नहीं होने वाली, बस कल खत्म। रजाई जी, रजाई जी, रजाई जी, तुम्हारी गल ना बिल्कुल सही है पर तरीका ना थोड़ा सा गलत है। मैं कह रही हूँ कि हम ना एक काम करते हैं, जैसा हो रहा है ना वैसा होने देते हैं। परिनीति सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई बहुत जल्द हमारी परी मैडम का चैप्टर जो है वो राजीव की जिंदगी से खत्म होने वाला है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि भाई इस बार गुरविंदर बेबे और नीति मिलकर हमेशा हमेशा के लिए परी को दुनिया से बाय बाय करने वाली है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई ये तीनों मिलकर परी को मारने की साजिश रच रही है, तो इसी के दर्शन करेंगे। आप यही चाहते हो ना कि संजू और नीति का ब्याह ना हो? तो ठीक है, नहीं होगा, लेकिन उसकी जगह हम लोग परी और संजू का ब्याह करवा देंगे, उठे तो कैसा रहेगा? ये तो ठीक है ना, अब माता रानी के दरबार आए हैं तो कुछ तो शुभ होना ही चाहिए ना, उनके दर्शन भी कर लेंगे और इनका ब्याह भी हो जाएगा। के साथ एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर परी को होश आ चुका है और परी को सब कुछ पता है ऑलरेडी कि कैसे नीति ने उसके साथ क्या क्या किया है। और इस बार परी जो है सारी सच्चाई को इस बार गुरविंदर को बताने वाली है और यहाँ पर गुरविंदर ये सब सुनकर काफी शॉक में आती है। वैसे तो यहाँ पर गुरविंदर नाटक कर रही क्योंकि उसे ऑलरेडी सारी नीति के चाल के बारे में पता है। आप भी ना, मैं संजू को सरप्राइज देना चाह रही थी लेकिन आपने ना सारा सरप्राइज खराब कर दिया। आपने बात ही ऐसी कर दी, बताना पड़ा ना मुझे। हाँ बट और वैसे भी बजाय थी, मैंने संजू और परी की आंखों में ना एक दूसरे के लिए बहुत प्यार देखा, इसलिए अब हम संजू और परी का व्याही कराएंगे दोबारा। और यहाँ पर गुरविंदर जो है परी का साथ देने का नाटक करती है, परी को इमोशनल ब्लैकमेल करती है और कहती है कि हम दोनों मिलकर इस बार नीति की सच्चाई सभी घर वालों के सामने लाएंगे, अपने घर वालों को बचाएंगे और राजीव की जिंदगी को बचाएंगे, नीति को, नीति का सच सबके सामने लाकर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई इस बार वो कहती है, यानी कि गुरविंदर परी को कहती है कि पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि क्या सच में इस बार नीति जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं। परी और संजू की एक बार फिर से शादी हो जाएगी, इससे ज्यादा खुशी की बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती ना ताई जी। पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जाती है उसका ब्लड लेकर आती है ये देखने के लिए कि क्या इस बार नीति सच में प्रेग्नेंट है या नहीं, या फिर वो हमेशा की तरह दोबारा इस बार नाटक कर रही है। तो इसी के साथ रिपोर्ट्स में हम देख रहे हैं कि भाई इस बार नीति जो है सच में प्रेग्नेंट है और ये बात जो है कहीं ना कहीं काफी शॉकिंग लगती है परी को। तो भाई आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई एक तरफ तो हमारे राजीव और परी जैसे ही मिलते हैं तो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और काफी खुश भी होते हैं क्योंकि काफी लंबे समय बाद, यानी 3 दिन के बाद राजीव जो है अपनी परी से बात कर पा रहा है। तो इसी के साथ हम देखने वाले कि भाई राजीव जो है वो परी को काफी प्यारा सा प्राइस देगा, उसे कैंडल लाइट डिनर पर ले जाएगा और यहाँ पर परी भी काफी खुश होगी और दोनों एक दूसरे के प्यार में काफी ज्यादा खोते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर हम देखने वाले कि भाई गुरविंदर जो है वो परी को कसम देगी, अपनी कसम देगी कि वो राजीव को कभी भी सच नहीं बताएगी जब तक वो ना उसे कह दे, क्योंकि उसे डर है, वो नाटक करती है, उसे डर है कि कहीं नीति जो है वो राजीव को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और यहाँ पर जैसे ही गुरविंदर कसम देगी हमारी परी को तो इस बार परी जो है राजीव को कुछ भी सच्चाई नहीं बताने वाली। इसके साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले कि भाई इस बार बेबे गुरविंदर और नीति मिलकर तीनों मिलकर इस बार परी की जान लेने वाली है। कल शाम की आरती के बाद ये तीनों मिलकर परी को दुनिया हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर देंगी। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार राजीव अपनी परी को बचा पाता है या नहीं।